प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। ऐ मदीने के ताजदार सलाम, ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम, रब्बे सल्लिम के कहने वाले पर जान के साथ हो निसार सलाम, और वो सलामत रहा कयामत में जिसने पढ़ लिए दिल से ये चार सलाम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला अलीका व असहाबीका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला अली का व असहाबी गया नूर अल्लाह। ताजदार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, साहिब मुअत्तर पसीना, बाईस नुजूलो सकीना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं, जिसमें से एक ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर 50 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं कल बरोज क़यामत उससे मुसाफा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जैसे कि तुमने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ लेकर के आए तो आपने जो बुतों के आगे झुकने वाले थे अल्लाह ताला की बारगाह में ला करके झुका दिया, जो खाना काबा बुतों का मरकज बना हुआ था उससे पाक कर दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमारे लिए नजात के असबाब पैदा फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक बेहतरीन तालीम अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें नजात का रास्ता दिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने का और जीने का सलीका अता फरमाया। पहले भी लोग थे, उनका खाना आता था मगर तरीका नहीं आता था। पहले भी लोग थे लेकिन उनका खाना आता था लेकिन करीना नहीं आता था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे बताया कि सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक सोना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक रहना चाहिए। अब ये वो गुलाम आने मुस्तफा हैं, ये नबी पाक की कितनी सुन्नत को जानते, जरा बताएं कि खाने का सुन्नती तरीका क्या है, पानी पीने का सुन्नती तरीका क्या है, सोने का सुन्नती तरीका क्या है, चलने का सुन्नती तरीका क्या है, बात करने का सुन्नती तरीका क्या है, मुलाकात करने का सुन्नती तरीका क्या है, ये कितने मुसलमानों को पता है। और हम कहते हैं कि हम आसी के रसूल हैं, बेशक हम आसी के रसूल हैं लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि हमारे नबी पाक की सीरत क्या है, नबी पाक की तालीम क्या है। नबी पाक कहते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आज मुसलमान नमाज ही से दूर है। जी आप मुझे बताएं कि जो है क्या बुराई के अड्डे आबाद हैं और इबादत के जो मतलब मकाम आते हैं वो खबरान पड़े हुए हैं, क्या ये हमारी आंखों के सामने नहीं है? आप अगर जेलों के चले जाएं, जेलों में चले जाएं तो भीड़ मिलेगी, अस्पतालों में चले जाएं तो भीड़ मिलेगी, चौपालों पे चले जाएं तो भीड़ मिलेगी, चौराहों पे चले जाएं तो भीड़ मिलेगी, शॉपिंग सेंटरों पे चले जाएं तो भीड़ मिलेगी, बस अड्डों पे चले जाएं तो भीड़ मिलेगी, स्टेशनों पे चले जाएं तो भीड़ मिलेगी। अगर कहीं भीड़ नहीं है तो अल्लाह की इबादत खानों में नहीं है। जी, तो क्या ये इधर नबी पाक की तालीम क्या है? नबी पाक की तालीम है कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करें, हम कुरान की तालीमात पर अमल करें, हम सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करें, हम सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करें। कितने मुसलमान हैं? जी, हम ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी का होना चाहिए, हम अपनी मर्जी चाहते हैं, जबकि हमें इस दुनिया के अंदर रह करके कुरान की क्या मर्जी है ये देखना पड़ेगा, शरीयत की क्या मर्जी है ये देखना पड़ेगा। जो शरीयत की मर्जी वो हमारी मर्जी, जो कुरान की मर्जी वो हमारी मर्जी होनी चाहिए, तभी तो हम सीरत मुस्तफा पर अमल करने वाले बनेंगे। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जुलूस में आने वाले, जश्न विलादत की खुशियां मनाने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले भी लोग गुमराहियत में थे,
जहालत में थे, जहालत का दौर दौरा था। आज भी हमारे मुआसरे के अंदर जहालत पाई जाती है, न हम उलमाए दीन की कदर करते हैं, न मस्जिद और इबादत खानों से जो है कि मोहब्बत रखते हैं और न कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ कुर्रा हजरात और हुफाज इकराम यहाँ मौजूद हैं, कितने मुसलमान हैं जिनसे कुरान पढ़ना आता है जी? कितने मुसलमान हैं कि जिनको कुरान की 10 सूरतें याद हैं? कितने मुसलमान हैं जो कुरान की तालीमात पर अमल करते हैं जी? अगर 100 में से 20 इस्लामी भाई निकालेंगे तो वो कुरान पढ़ने वाले मिलेंगे, और 20 में से भी अगर हम देखेंगे तो 2-3 मखरज के साथ कुरान पढ़ने वाले मिलेंगे, और इल्ला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी हैं जो कुरान की तालीमात पर अमल करने वाले भी हैं। लेकिन अक्सरियत ये बताती है कि इस वक्त मुसलमान बेराह रावी का शिकार है, इबादतों से दूर है, सुन्नतों से दूर है, कुरान की तालीमात से दूर है। यही वजह है कि हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना है। अगर हम शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाले बन जाएं, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह दोनों जहान में हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। हमें जरूरत है इस वक्त जो है कि मुस्लिम मुआसरे को जरूरत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें। दावत इस्लामी चाहती है कि हम सुन्नत सीखने वाले बने, दावत इस्लामी चाहती है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदाओं को अदा करने वाले बने, दावत इस्लामी चाहती है कि हम बेहतरीन फर्द मुआसरे का बन करके उभरें, दावत इस्लामी चाहती है कि हम नबी पाक की तालीमात पर अमल करें। इसीलिए मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपने सरों पर टोपियां सजाएं, हमें चाहिए कि हम अपनी पेशानी को रब ताला की बारगाह में झुकाएं, हमें चाहिए कि हम अपने जबान से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम और अल्लाह करीम रब्बुल इज्जत की जो है कि जिक्र से अपनी जबान को तर रखें। इंशाअल्लाह हम दोनों जहान में कामयाब नजर आएंगे। जिस तरीके के साथ इमाम साहब की सरपरस्ती में, हुफाज इकराम की सरपरस्ती में ये जो जुलूस निकल रहा है और जिस जज्बे के साथ है, जिस जोक के साथ है, अगर इसी तरीके से हम नमाज का जज्बा रखें तो हमारी मस्जिदें आबाद होती हुई नजर आएंगी, और अगर मस्जिदें आबाद होंगी तो हमारे घर आबाद होते हुए नजर आएंगे, और अगर हमारे घर आबाद होंगे तो हमारे दिल शाद होते हुए नजर आएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के जिक्र में हमारी तबीयत मगन होती नजर आएगी। याद रखिये, इस वक्त हमें जरूरत है कि हम अल्लाह ताला के इबादत खानों को आबाद करें। हमारी जरूरत है कि हम जो है कि अपने रब ताला की बारगाह में झुक जाएं। मिजाज क्या है? जितना बड़ा मकान मेरा हो किसी का नहीं हो, जितना बड़ा खेत मेरा हो किसी का नहीं हो, जितना बड़े बैलेंस मेरे पास हो किसी का ना हो, जैसी इज्जत मेरी हो किसी की ना हो, जैसी बात मेरी हो ऐसी किसी की नहीं हो, जितना मुझे पूछा जाता हो उतना किसी को ना पूछा जाता हो, जैसी गाड़ी मेरे पास हो ऐसी किसी के पास नहीं होनी चाहिए, जैसी बात मेरी हो किसी की नहीं होनी चाहिए। तो एक मिनट, आपकी बात ये दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। ये भी तो जितने सजदे मेरे हो उतने मोहल्ले में किसी के ना होने चाहिए, जितने कुरान में पढ़ता हूँ कोई न पढ़ने वाला होना चाहिए, जितनी नेकियां मेरी हो किसी की ना होनी चाहिए, जिस कदर मैं मस्जिद में जाता हूँ कोई ना जाना चाहिए। ये भी तो मिजाज बनना चाहिए हमारा, ये भी तो सोच बननी चाहिए हमारी। और याद रखिए, क्या मुसलमान मिलावट करने वाले को, क्या मुसलमान का काम यह है कि वो मिलावट करे, क्या मुसलमान का काम यह है कि धोखा करे, क्या मुसलमान का काम यह है कि वो चिटिंग करे, क्या मुसलमान का काम यह है कि वो जो है कि सुन्नत मुस्तफ़ा की मजाक उड़ाए, क्या मुसलमान का काम यह है कि वो तालीम कुरान की मजाक उड़ाए, क्या ये मुसलमानों का काम है कि अपनी मजहबी रहनुमाओं की मजाक बनाए, क्या मुसलमान का काम यह है कि सिनेमा घर में तो जाने के लिए तैयार है, अल्लाह की इबादत खाने में आने के लिए तैयार नहीं है? याद रखिए, हमें अगर दोनों जहान में कामयाबी हासिल करनी और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राजी करना है, रब ताला की रिजा हासिल करनी है, तो हमें कुरान पर और सीरत मुस्तफा पर अमल करना होगा जी। और दूसरी बात यह है, अगर ये चाहे कि भाई मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, नबी पाक पर कैसे मोहब्बत होनी चाहिए, तो आला हजरत ने मोहब्बत की है और अपने सलाम में उस मोहब्बत का इजहार किया है और नबी पाक का सराफा बयान किया है। आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बजमे हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके माथे सफात का सेरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, जिसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आंख बालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद,
निजी नजरों की शर्मो हया पर दूर, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, फतके गिरदे दहन वो दिलारा फवन, सब्जाए नहरे रहमत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियाँ, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, वो जबा जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात बही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, दोस्त पर दोस्त है जिससे शान शरफ, ऐसे सामने की शौकत पे लाखों सलाम, हाथ जिस दिन तू उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समात पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुब्बत पे लाखों सलाम, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उलियों की करामत पे लाखों सलाम, ईद मुश्किल कुसाई के चमके हिलाल, नखूनों की बिसारत पे लाखों सलाम, और जिससे नहरा है शेरो शकर की रबा, उस गले की नुतारत पे लाखों सलाम, दिल समझ से बड़ा है मगर यूं कहूँ, गुंजा ए राजे बहदत पे लाखों सलाम, वो गुल जहाँ मिल्क और जो की रोटी गिजा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम, जो की आदमी सबात पे खिसके बंदी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम, अंबिया तय करें जानू जिसके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम, अर्शता फर्श है जिसके जेरे कदम, उनकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम, और खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कपे पा की हुरमत पे लाखों सलाम। ये नबी पाक, अब ये कपे पा की हुरमत क्या है, ये अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाता है, क्या है महबूब, मुझे कसम है उन रास्तों की जिन पर तुम्हारे पाँव के तलवे लग गए हैं, नबी पाक के पाँवों के तलवे लगने की वजह से उन रास्तों की धूल का ये मर्तबा हो गया, कि अल्लाह ताला कुरान करीम ने उन रास्तों के धूल की कसम खा रहा है, तो आला हजरत कह रहे हैं कि जिनके तलवों से लगने से ये धूल का मर्तबा हो गया, कि अल्लाह कुरान करीम ने उसकी कसम खा रहा है, तो ऐसे इज्जत वाले पाँवों पे लाखों सलाम जी। और याद रखिए, अरबी में लिबा कहते हैं झंडे को, और हम तो कहते हैं तारीफ को, एक झंडा जो कयामत के दिन होगा, जिसे हजरत अली थामे हुए होंगे, उसका नाम है लिबाउल हम्द, तो आला हजरत कहते हैं हवा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सन्ना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।